हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? और यहाँ गेम जो स्टार्ट होने वाला है, और यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लिया है सारी स्क्वाड ने, और अनफॉर्चुनेटली आज कुछ प्रॉब्लम हो गया था। मैं तो टीम लीथल और यहाँ पे आईजी नहीं आ पाएगी, बाकी सारी स्क्वाड ने हमें ज्वाइन किया। और गेम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इरेंगल का, देखना होगा यहाँ पे क्या हाल होता है आज गेम का गाइस। और यार आज की वॉइस का बताना, बाकी चीज़ें बताना, कमेंट्री के बारे में सब चीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हो सके अगर तो वीडियो पूरा देखना है यार, अगर नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं है यार, ऐसे ज़बरदस्ती थोड़ी है। बट जैसे अगर आपको पसंद आता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और यार जितनी ज़्यादा टीम हो सके जोड़ते चले जाओ। और यहाँ पे मैं एक बार आपको टीम लिस्ट बता देता हूँ। टीम नंबर 4 पे यहाँ पे हमारे पास, ओके, टीम नंबर 4 पे यहाँ पे स्क्वाड आई है। आई डोंट नो ये इन्होंने ज्वाइन कैसे किया, TFK। ओके, टीम नंबर 5 पे हमारे पास सूजी की स्क्वाड है। टीम नंबर 6 पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं मिस्टीरियस की स्क्वाड। टीम नंबर 7 पे टीम नंबर 8 जो हमारी ज्वाइन नहीं कर पा रही थी आईजी, उनके जगह यहाँ पे आई है रॉजर की स्क्वाड, TSF। और 9 पे एक्ट। 10 पे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं रियल ओजी की स्क्वाड। 11 पे हम लोग को देखने मिल रही है एक्सट्रीम ई स्पोर्ट। 12 पे टीम ऑर्चिड। 13 पे माफिया। 14 पे रश आर्मी। 15 पे टीम वाइल्ड। और 16 पे हमारे यूनाइटेड फ्रेंड्स। 17 पे टीम सीज। 18 पे यहाँ पे डेथ स्टॉकर। 19 पे MVP। 20 पे डीमंस की स्क्वाड। 21 पे, ओके, सो 21 पे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हमारे टीम 21 पे मैंने स्लॉट दिया था छत्तीसगढ़ हीरोज को, ओके। और 22, 23 यहाँ पे खाली रह जाएगा, जिसमें 22 लीथल का है और 23 RTV का है। और बाकी यहाँ पे 1 RTV यहाँ पे 24 पे ज्वाइन किए, दो ही बंदे आई थिंक ज्वाइन कर पाए यहाँ पे। और 25 पे हमारी आई है बैला ई स्पोर्ट, जो हमारी फेवरेट स्क्वाड अभी तक की। और यार यहाँ पे प्लेन पाथ जो बना है वो सेवर्नी से होता हुआ पोचिंकी को चीरता हुआ यहाँ पे फेरी पियर क्लोज ड्रॉप पे मिलिट्री बेस की तरफ जा रहा है। और मिलिट्री बेस काफ़ी वाइड होगा यहाँ पे, देखना होगा कि यहाँ पे स्क्वाड्स जो है वो कैसे कैसे रोटेशन लेती है। और यहाँ पे टीम नंबर 4 हम लोग को देखने मिल रहा है जॉर्जो पुल की तरफ मूव करते हुए। टीम नंबर हमारी 18 जो 10 स्टॉकर की है, वो भी जॉर्जो पुल सिटी की तरफ मूव करते हुए देखने मिल रही है। टीम नंबर 7 हमारी, ओके, टीम नव जो है वो भी यहाँ पे जॉर्जो सिटी मूव करते हुए, काफ़ी सारी स्क्वाड जॉर्जो की तरफ मूव कर रही है। और यहाँ पे टीम नंबर 4 हॉट ड्रॉप लेते हुए, और कोई स्क्वाड उन्हें चेस करी, या टीम नंबर 19 उन्हें चेस करती हुई MVP की स्क्वाड पीछे से आ रही है। लेट्स सी यहाँ पे क्या होता है, गन फाइट देखने मिलती है या फिर थोड़ा होल्ड करके खेलना चाहेगी सारी स्क्वाडें। और यहाँ टीम नंबर 25 घटका का नया रोटेशन देखने मिला ट्रैक्टर की टीम के द्वारा, पहला ई स्पोर्ट्स। और यहाँ पे देखना होगा ये कैसे रोटेट करते हैं। टीम नंबर 16 और टीम नंबर 14 यहाँ पे थोड़ा सा व्हीकल के लिए रश हो सकता है वहाँ पे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यासनिया पहुंचना थोड़ा डिफिकल्ट। और जैसे मैंने कहा था, पेट्रोल पंप पे यहाँ पे उतर चुकी है स्क्वाड टीम नंबर 14 हम लोग को लेफ्ट साइड में देखने मिल रही है। और व्हीकल मिल चुका है टीम नंबर 14 को, जोन के लिए मूव करेंगे। और दो बंदे यहाँ पे बक्की को होल्ड करने की कोशिश, अंकी यहाँ पे भागते हुए क्षितिज को वहाँ पे हो लेके जाना चाहिए था, अभिषेक यहाँ पे ओपन में। टीम नंबर 14 यहाँ पे व्हीकल चेस करते हुए, हाउसेस पे आगे छोटे हाउसेस को लूटने की कोशिश करेंगे। और टीम नंबर 13 वहाँ पे हम लोग को देख सकती है छोटे छोटे कंपाउंड आज स्क्वाड ने होल्ड किया है, नए रोटेशन देखने मिल रहे हैं। टीम नंबर 7 टीम नंबर 18 के दोनों साइड वाइड स्प्रेडेड हैं। टीम नंबर 4 काफ़ी वाइड लूट करते हुए, नए रोटेशन यहाँ फॉलो किए गए हैं। टीम नंबर 17 जो हमारी, ओके, यहाँ पे टीम सीज है, वो यहाँ पे वाइड लेते हुए देखने मिल रही है हम लोग को स्टार्टिंग में। टीम नंबर 8 हमारी जो आईजी, ओके, रॉजर की स्क्वाड है, वो भी यहाँ पे अलग रोटेशन देते हुए एक्ट वहाँ पे व्हीकल से बंदे को नॉक किया है। लेट्स सी यहाँ पे DWC के जो बंदे हैं वो यहाँ पे नॉक एंड फिनिश आई थिंक हो गए। एडू जो है हमारे व्हीकल्स यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और यहाँ पे बग्गी लेके आ गए टीम नंबर 11 के बंदे एक्सट्रीम स्पोर्ट्स, यहाँ पे बचा के अपने जोन रोटेशन चालू करेंगे। पीछे में वहाँ पे दो बंदे नॉक दिख रहे हैं हमें, और यहाँ पे एक्सट्रीम वेनम फिनिश करते हुए रियल ओजी की स्क्वाड को, दो बंदे यहाँ पे, एक बंदा नॉक, एक बंदा काफी लो। और यहाँ पे पीछे से स्प्रे आता हुआ बहुत ही गलत सीन, वहां पे वाइल्ड ने अमन को नॉक किया, एक्सट्रीम ने अमन को यहाँ पे फिनिश कर दिया। दो स्क्वाड यहाँ पे होल्ड करते हुए टीम नंबर 15 के ऊपर फायर शॉट्स आते हुए, काफी गलत सिचुएशन में यहाँ टीम वाइल्ड फंसी हुई है। और 11 नंबर टीम यहाँ पे पिक ऑफ करने के लिए आई है, होल्ड करके यहाँ पे गेम निकालने की कोशिश करेंगे वुल्फ। और वहाँ पे वेनम यहाँ होल्ड करते हुए M16 से, कोई लूट हुई नहीं है यहाँ बंदों पास। और अभी वुल्फ के पास भी M16 है, यहाँ पे देखना होगा क्या यहाँ पे वाइप कर पाती, क्योंकि टीम
टीम नंबर 15 के पास भी यहाँ पे गन पावर हमें देखने मिल नहीं रहा है, और सौरभ को यहाँ स्पॉट किया है। एक नेड और तीनों बंदे यहाँ पे जा सकते हैं वाइल्ड के, बट अनफॉर्चुनेटली स्क्वाड्स के पास यहाँ पे नेड है नहीं, और सौरभ यहाँ पे यूएमपी के साथ होल्ड करते हुए। गौरी अवतार, अच्छा अवतार भाई यहाँ पे, अवतार गुरु यहाँ पे होल्ड करते हुए शॉटगन के साथ, वहाँ पे लिमिटलेस लिमिटलेस यहाँ पे पीछे जाते हुए, और यहाँ पे सौरभ को नॉक कर दिया है वुल्फ ने, और फिनिश भी करेंगे नो डाउट यहाँ पे। फिनिश सौरभ को भी नॉक किया है, गौरव दोनों यहाँ पे नॉक हैं, और आखिरी बंदे यहाँ पे वाइल्ड होल्ड करते हुए गन ले लिया, यहाँ पे स्प्रे आता हुआ वाइप करेंगे इनको। आखिरी बंदे आई थिंक यहाँ पे है नहीं, तो कोई यहाँ पे अपॉर्चुनिटी इनके पास है नहीं बचने का। वाइल्ड यहाँ पे तीन बंदे यहाँ पे एलिमिनेट हो गए, और इसके साथ यहाँ पे अब जोन रोटेशन चालू करना पड़ेगा। सौरभ यहाँ पे कट्टे से सौरभ को नॉक करते हुए, बहुत ही गलत सीन हो गया भाई यहाँ पे टीम वाइल्ड के साथ, और टीम नंबर 18 वहाँ पे होल्ड कर रही है। ओके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होल्ड गेम देखने मिलेगा हम लोग को बाकी स्क्वाडों के द्वारा, क्योंकि थोड़े ड्रॉप पॉइंट्स डिफरेंट हुए हैं। सुजी की स्क्वाड यहाँ पे पोचिंकी में दिख रहे हैं मिल रही है हम लोग को, थोड़ा साउंड आ रहा है, मैं उसको डाउन कर देता हूँ। तीन स्क्वाड है आई थिंक यहाँ पे, टीम नंबर 5, टीम नंबर 6, टीम नंबर 21। सी लेजेंड ने वहाँ पे ईव किंग को नॉक किया है, यहाँ पे प्रीमोस में गेम चलता हुआ। रॉजर वहाँ पे होल्ड करते हुए किंग को यहाँ पे वाइप किया है, M16 के साथ फॉल बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, शॉट्स कनेक्ट होते हुए रॉजर को, और यहाँ पे बहुत अच्छा खासा डैमेज पड़ा है। गोस्ट आगे होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, सीज बेवड़ा भाई वहाँ पे होल्ड करते हुए, राहुल यहाँ पे लेफ्ट साइड में, और देखना होगा यहाँ पे क्या रॉजर की स्क्वाड यहाँ पे निकल पाती है। नेट मॉली सब ट्राई किया जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फॉल बैक कर चुकी है थोड़ी सी स्क्वाड, और यहाँ पे TSF फॉल बैक, देखते हैं क्या यहाँ पे गेम निकाल पाती है, क्योंकि यहाँ पे से फॉल बैक करना बहुत ही ईजी है, प्रीमोस्ट में से कोई भी एंगल से आप निकल सकते हैं। वहाँ पे किसी ने फ्लेयर मंगाया है, और टीम नंबर 21 ने आई थिंक यहाँ पे जोन इन्जॉय कर रहे हैं जो, और फ्लेयर इन्होंने ही आई थिंक मंगाया है, आई डोंट नो। डीमन की स्क्वाड यहाँ पे जोन रोटेट, जोन के और अंदर जाना चाह रही है। यहाँ पे घटका का जो रोटेशन है काफ़ी वाइड रोटेशन हमें 4A के द्वारा देखने मिला है, और देखना होगा यहाँ पे क्या ये आज हर दिन की तरह कमाल दिखा पाते हैं। टीम नंबर 21 हमारी टीम CG07 हीरोज यहाँ पे होल्ड करते हुए, और पोचिंकी का गेम एज यूजल होल्ड का गेम चलते हुए, तीन थ्री मैन स्क्वाड यहाँ पे देखने मिल रही है हमारी टीम नंबर 6 मिस्टीरियस की स्क्वाड, जिन्होंने आई थिंक कल चिकन डिनर निकाला था, और सूजी की स्क्वाड यहाँ पे अलग अलग सारे बंदे, और इन्होंने नाम भी चेंज कर दिया लगता है, और यहाँ पे ब्रूट गेमिंग ने ऊपर से जो यहाँ पे थॉमसन चलाई है भाई काफ़ी ओपी, और यहाँ पे बड़वे को भी देख लिया गया है, और स्पॉट करने की कोशिश, यहाँ पे स्प्रे लेने की कोशिश, बट अनफॉर्चुनेटली शॉट्स कनेक्ट नहीं हो रहे। पीछे से सूजी पेन आते हुए, हिटमैन आते हुए, और यहाँ पे रश कर दिया है स्क्वाड्स ने, पेन यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आगे जा रहे हैं, हिटमैन यहाँ पे इनिशिएटिव लेना चाहते हैं आई थिंक, और पीछे से यहाँ पे ट्रेड आते हुए, ट्रेड लेने की कोशिश, काफ़ी अच्छा नेट यहाँ पे मैं बोलूँगा, और अनकुक्ड था, बट पेन यहाँ पे नॉक हो सकते हैं कभी भी, और हिटमैन को यहाँ पे नेट पड़ता हुआ, लेकिन वाइप कर दिया शॉक वेव ने ओपी गेम प्ले दिखाते हुए, और यहाँ पे अब कभी। ओके टीम नंबर यहाँ पे 21 क्लोज आते हुए, और अब थर्ड पार्टी की सिचुएशन बन चुकी है यहाँ सूजी की स्क्वाड पे, और CG07 हीरोज आई थिंक एलिमिनेट होते हुए सबसे पहली स्क्वाड जो पूरी वाइप हुई है, टीम नंबर 6, ओके नहीं मिस्टीरियस की स्क्वाड यहाँ पे, सॉरी मैं मिस्टेक कर गया, मिस्टीरियस की स्क्वाड यहाँ पे वाइप होते हुए, और देखना होगा गाइज यहाँ पे रौनक ने यहाँ पे हिटमैन को फिर से नॉक कर दिया है, नेड की बारिश होते हुए शॉट्स कनेक्ट हुए यहाँ पे, और जो ब्रूटल गेमिंग है वो काफ़ी अच्छा एंगल लिया था, 10 HP छूटे हैं यहाँ पे भरत, और भारत ने यहाँ पे 10 HP में हिटमैन को फिनिश कर दिया है, और हिटमैन के साथ आज बहुत गलत सीन हो रहा है यार, दो नेट कनेक्ट हो गए, और ब्रूट गेमिंग यहाँ पे अलग एंगल होल्ड, ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। पीछे शॉकवेव जाते हुए दो बंदे बचे हैं आई थिंक, तीन बंदे बचे हैं, ओके पेन यहाँ फॉल बैक करते हुए, दोनों ही स्क्वाड अब थोड़ी सी होल्ड पे आ जाएगी वापस से, और देखना होगा हम लोग को कि जोन अगला शिफ्ट कहाँ होता है, क्योंकि अभी सारी स्क्वाड बहुत ही स्कैटर्ड दिख रही है। टीम नंबर 17 और टीम नंबर जो हमारी 21 है आई थिंक, ओके नहीं रॉजर की स्क्वाड जो भी है वो यहाँ पे होल्ड करते हुए दिख रही है अपनी मोस्ट में, और एज यूजल पुचिकी का गेम कंटिन्यू होता हुआ।
गाइज वो थोड़े आवाज़ नहीं आ रहा होगा स्टार्टिंग में, उसके लिए थोड़ा सॉरी, पता नहीं इतना पूरा कैसे म्यूट हो गया, बट कोई बात नहीं, अब आएगा। और यहाँ पे सीज बेवड़ा ने कुकू को नॉक किया, रॉजर को नॉक किया, यहाँ पे टीएसएफ कभी भी वाइप हो सकती है। गोश्त आखिरी बंदे बचे हुए हैं और काफ़ी ओके, गोश्त ने यहाँ पे बेवड़े को नॉक किया है और अब यहाँ पे रॉजर को रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। रॉजर यहाँ पीछे आते हुए लेजेंड ने वहां पे स्पॉट किया, नेड करने की कोशिश करनी चाहिए यहाँ पे। अभी रिवाइव के लिए जाएंगे और पीछे से स्क्वाड को बुलाएंगे। राहुल यहाँ पे आते हुए और नो डाउट नेट ट्राई किया बट उतना अच्छा नेट था नहीं ये। और लेजेंड यहाँ पे एंगल बनाते हुए वीएसएस से रॉजर को वहाँ रिवाइव मिलेगा, लेकिन हील्स की कमी हो सकती है। एक नेड और ये नेड थोड़ा सा अच्छा क्वालिटी का मैं बोलूँगा। रॉजर को यहाँ पे 10 HP पे छोड़ते हुए, गोश्त वहाँ पे 60 HP पे बचते हुए और यहाँ नशेड़ी भाई फ्लैंक कर चुके हैं आगे से होल्ड करते हुए सीज के बंदे, और सीज ने गोश्त को नॉक किया और अब यहाँ पे कभी भी गेम खत्म हो सकता है। रॉजर यहाँ पे वीएसएस से वाइप होते हुए और इसी तरह यहाँ पे हमारी टीएसएफ की स्क्वाड सेकेंड स्क्वाड एलिमिनेट होते हुए काफ़ी ओपन में यहाँ पे नॉक हुए थे, जो फॉल बैक करने की कोशिश की थी उसमें सीज ने उन्हें पकड़ा और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे डेथ होते हुए स्क्वाड नॉक वाइव एलिमिनेटेड। और टीम नंबर 7 की वहाँ पे फाइट या नहीं हो रही है, यहाँ पे डेथ स्टॉकर हम लोग को देखने मिल रहे हैं लूट के पास और वी विल स्पेक्टेट द लूट। क्या आई है यहाँ पे DBS एज यूजल, इतनी वाहियात गन है, पता नहीं इसको क्यों बनाया है लोगों ने, मतलब यार माथा खराब हो जाता है इसको देख के। यहाँ पे शॉट्स लेने की कोशिश कर रहे हैं टीम नंबर 4 के ऊपर और कनेक्ट हो रहा है थोड़ा मोड़ा शॉट, देखना होगा यहाँ पे। गाइस थोड़ी नॉइज आ रही होगी उसके लिए सॉरी बोलना चाहता हूँ, यहाँ पे है यार थोड़ी नॉइज आ रही है, वो लोग अगल बगल वाले यार पीजी में रहता हूँ ना तो उसके कारण। अब यहाँ पे सिनॉक्स रेड डॉट से स्पॉट करने की कोशिश कर रहे हैं, आई डोंट नो। यहाँ पे जोन अभी मतलब काफ़ी बचा हुआ यार, 50% श्रिंक हुआ है और अभी फाइट अभी देखने मिलेगी नहीं, थोड़ा सा बोरिंग हो जाएगा गेम। बट मेरे को ये देखना है कि आज जो हमारी बेला ई स्पोर्ट्स है वो कैसा रोटेशन लेती है, क्योंकि डीमंस की स्क्वाड पीछे से आते हुए देखने मिल रही है हम लोग को। और यहाँ पे एक्ट के पास कोई फायर आते हुए, काफ़ी क्लोज का रोटेशन यहाँ पे, तबाही की ओके। टीम नंबर 13 जो हमारी माफिया की स्क्वाड है आई थिंक, उन्होंने टीम नंबर 11 के काफ़ी क्लोज से जोन रोटेट कर दी है एक्सट्रीम की स्क्वाड के पास से। और यहाँ पे स्पॉट तो कोई हुआ नहीं है, लूट करते हुए हैं एक्सट्रीम की स्क्वाड, 5 किल निकाल चुकी है। लिमिटलेस ने वहाँ पे वाइल्ड की स्क्वाड वाइप जो की थी बहुत ही ओपी वाइप मैं कहूँगा। और वाइल्ड की स्क्वाड का स्लॉट कौन सा था यहाँ पे टीम नंबर 15 पे, मैवरिक यहाँ अभी भी अकेले बंदे बचे हुए हैं और दिल्ली पुलिस ने वहाँ पे डीमंस के निंजा को नॉक किया है। और एज यूजल एग्रेशन कंटिन्यू होता हुआ, वुल्फ को यहाँ पे स्पॉट करते हुए असाशियन और यहाँ पे फाइट लेने की पूरी वो दिल्ली पुलिस यहाँ पे रश करना चाहते हैं, ओपन में नॉक किया है, नो डाउट यहाँ पे रश मिलेगा। डीमंस निंजा को यहाँ पे ब्लीड आउट हो जाएंगे और वुल्फ को यहाँ पे ओपन में पकड़ने की कोशिश की जाएगी, लेट्स सी क्या होता है। काफ़ी लंबा फ्लैंक मैं कहूँगा, पीछे से ट्रैक्टर की स्क्वाड वहाँ पे होल्ड करते हुए, ट्रैक्टर वहाँ पे होल्ड कर रहे हैं और वुल्फ को यहाँ पे स्पॉट कर लिया है। व्हीकल यहाँ पे काफ़ी डैमेज है तो चेस करते हुए, जबकि ऐसा कस्टम है मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए ये, आई डोंट नो क्या ही स्ट्रैटेजी है, बट जो भी ये काम करते हुए अभी तक तो इनके लिए। और लेट्स सी गाइस वही ओके, टीम नंबर 20 यहाँ पे होल्ड की हुई है, डीमंस का लोकेशन उन्हें अभी पता नहीं होगा क्योंकि डीमंस के पूरे बंदे यहाँ पे लेफ्ट में दिखने मिल रहे हैं। वुल्फ अलग से होल्ड करते हुए, ट्रैक्टर की स्क्वाड वहां पे ऊपर में रिच पे आते हुए, आई थिंक उन्हें स्पॉट कर लिया है वुल्फ को। डीमंस यहाँ पे देखना होगा क्या आज 4A को यहाँ पे वाइप कर पाती है, जो दो मैन स्क्वाड में भी बहुत ही ओपी परफॉर्म कर रही है। और नेड आता हुआ जो कि 40% डैमेज देगा यहाँ पे, और थोड़ा ओपी तो था नेट लेकिन कनेक्ट उतना ज़्यादा नहीं हो पाया, बच गए। थोड़ा ओवरकुक्ड होता तो मे बी यहाँ पे चांसेस हो सकते थे। और एक और नेट आता, और नेडो की बारिश, और यहाँ पे वर्चुअल और यहाँ पे गलत एंगल से यहाँ ले लिया वेनम को, यहाँ पे कभी भी डाउन कर सकते हैं और वेनम यहाँ पे नो डाउट डाउन होंगे। और काफ़ी अच्छा वाइड एंगल निकाला था
दो बंदों को यहाँ पे नॉक कर दिया है, और अब यहाँ पे टैप टैप करके फिर यहाँ पे डॉक्टर ने रश कर दिया है, और कभी भी यहाँ पे डीमंस की स्क्वाड मेरे हिसाब से वाइप हो सकती है। स्पॉट किया काफ़ी अच्छा वर्चुअल का यहाँ पे, जो फ्री फायर था बट कनेक्ट नहीं होता हुआ, और ट्रैक्टर यहाँ पे एज यूजुअल ओपन रश करते हुए दो बंदों के साथ, और यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने नॉक कर दिया है शाहिद को, और वुल्फ यहाँ पे फॉल बैक करने की कोशिश करेंगे बट यहाँ पे वाइप हो चुके हैं ट्रैक्टर के द्वारा। डीमंस की स्क्वाड यहाँ पे एलिमिनेट हो चुकी है और अब जाएगी लॉबी में, और गाइज यहाँ पे देखना होगा टीम नंबर 7 अभी तक होल्ड करते हुए, वही हिल रिजेस जो यहाँ पे झरकी और जो हमारे नॉर्थ जॉर्जियो के बीच में होती है वो, और पीछे से 24 नंबर टीम आते हुए देखने मिल रही है हम लोग को, जो सौरभ की स्क्वाड है 1 RTV, और दो बंदे यहाँ पे ज्वाइन किए थे, आई थिंक यहाँ पे 3 बंदे ज्वाइन किए थे बट अनफॉर्चुनेटली कोई एक बंदा यहाँ पे कनेक्ट हो नहीं पाया। सौरभ अपनी नई आईडी से खेल रहे हैं, और यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने सुमित को स्पॉट किया मिनी 14 OP चलाते हुए यहाँ पे, और बहुत ही अच्छा गेम प्ले दिखा रहे हैं, कभी भी रश देखने मिल सकता है। फिर से हम लोग को सुमित को यहाँ वर्चुअल फिनिश करेंगे, सौरभ वहाँ पे हील करने की कोशिश करके कवर लेने की कोशिश करेंगे, और अब यहाँ पे जोन जोन जो है श्रिंक हो चुका है, तो जोन का जोन के अंदर अभी यहाँ पे टीम नंबर 17, टीम नंबर 15, टीम नंबर 25 को भी लिटिल बिट, और टीम नंबर 24 जो 1 RTV है इनको भी अंदर आना पड़ेगा। टीम नंबर 14 वहाँ पे काफ़ी दूर आधे बंदे अंदर आ चुके हैं, आधे बंदे बाहर, आई डोंट थिंक ये ऑनलाइन है, मे बी ये ऑफलाइन होंगे, और यहाँ पे टीम नंबर 12 के ऊपर रश करते देखने मिल सकती है, ऑर्चिड को यहाँ पे स्पॉट किया, नॉक करेंगे नो डाउट, और यहाँ पे ओपन में पाए गए फिनिश करने की कोशिश, ऑर्चिड को गोली कनेक्ट हुई है बट ओपन में यहाँ पे फाइट लेते हुए हमारी जो स्क्वाड है, और यहाँ पे डॉन फ्रैंक को भी नॉक कर दिया है ट्रैक्टर ने एज यूजुअल, किल चोरी करते हुए यहाँ पे डॉन की स्क्वाड यहाँ भागने की कोशिश करेगी, और नो डाउट ओपी स्प्रे बाय दिल्ली पुलिस एंड असासियन, धीरे धीरे बंदों को वाइप करेंगे यहाँ पे, और यहाँ मजे लेते हुए ऑर्चिड की स्क्वाड यहाँ पे मुश्किल में निकल चुकी है, जोन वापस मूव किया उन्होंने, फॉल बैक किया है थोड़ा सा, और सीज की स्क्वाड वहाँ पे नीचे से आते हुए मैवरिक आखिरी बंदे यहाँ पे वाइल्ड की टीम से अंदर आने की कोशिश करेंगे, और इसी तरह हम लोग देख रहे हैं कि बंदे यहाँ पे ट्रैक्टर ने यहाँ पे व्हीकल से नॉक कर दिया, ओके फिनिश किया है यहाँ पे एक और बंदे को ऑर्चिड के, और अब यहाँ पे जोन के अंदर जाना चाहेंगे टीम नंबर 11, वहाँ पे सामने में आते हुए आज कुछ अलग अंदाज में खेल रही है, 4A ओपन व्हीकल रश कर रही है, आई डोंट नो क्लासिक ही बना दिया इन्होंने आज कस्टम को, और 1 RTV वहाँ पे क्या रोटेशन किया है यार, क्या रोटेशन, यहाँ से जो सौरभ ने रोटेट किया है काफ़ी अच्छा रोटेशन, लेकिन यहाँ पे टीम नंबर 7 इनका इनवाइट वेलकम करने बैठी है यहाँ पे, उनको पता नहीं होगा काफ़ी देर से होल्ड किया टीम नंबर 7 जो हमारी नर्व की स्क्वाड है, और उनका थोड़ा होल्ड का गेम ही देखने मिलता है, उतनी अग्रेसिव खेलती नहीं है स्क्वाड, थोड़ा सा होल्ड का गेम ही देखने मिलता है, आखिरी जोन में हमेशा आप इनको पा ही जाओगे, और 16 टीम आर स्टिल अलाइव, एक एक बंदे यहाँ पे पोजीशन लेने के लिए होल्ड कर रहे हैं आई थिंक, और मैवरिक वहाँ धीरे धीरे जोन में मूव करते हुए काफ़ी उनका रास्ता क्लियर है, बट टीम नंबर 21 जो हमारी डीमंस की छत्तीसगढ़ CZ07 हीरोज़ की जो स्क्वाड है वो कभी भी उन्हें स्पॉट कर सकती है। टीम नंबर 16 यहाँ पे काफ़ी क्लोज में दिखते हुए जो हमारी यूनाइटेड फ्रंट की स्क्वाड है, और लूट करने की कोशिश करेंगे, अभी भी इनकी लूट कंप्लीट नहीं हुई है। सेकेंड जोन यहाँ पे ऑलमोस्ट क्लोजिंग, सूजी की स्क्वाड की वहाँ पे फाइट होते हुए अशरफ ने यहाँ पे सूजी शॉकवेव को नॉक किया है, और देखना होगा यहाँ पे क्या कमाल दिखा पाते हैं, यहाँ पे नॉक किया ब्रूट गेमिंग ने, और पोचिंग की फाइट अभी तक कंटिन्यू होते हुए, सौरभ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव जाते हुए बचाने की कोशिश करेंगे, लॉक होंगे यहाँ पे CZ10 OP करते हुए 1 HP बचे, सौरभ यहाँ पे मतलब 0.11 HP मैं बोलूँगा, और यहाँ पे ब्रूट नीचे जाने की कोशिश करेंगे और स्पॉट करके कभी भी यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा ट्रेड फायर आता हुआ गौरव का, और लेकिन नो डाउट यहाँ पे फिनिश करेंगे, और यहाँ पे एक बंदे के लॉस के साथ यहाँ पे जो हमारी सुजी की स्क्वाड है 7 किल निकल चुकी है, जोन इसी तरह छोटा होता हुआ, और ये हमारा जो थर्ड जोन है ये बन चुका है शूटिंग रेंज का थोड़ा सा एरिया, रूइंस का पूरा और रोजोक का आधा एरिया देखने मिल रहा है, जॉर्जो पुल के ओपन फील्ड यहाँ पे जोन में दिखता हुआ, वर्चुअल ने यहाँ पे डॉन रोवन को नॉक किया है, और डॉन की स्क्वाड इसी तरह वाइप हो चुकी है। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखना होगा टीम नंबर 5 वहाँ पे होल्ड करते हुए सूजी पेन
यहाँ पे अब जोन के लिए रोटेशन देंगे, क्योंकि अभी अभी जो स्क्वाड थी उनको वाइप किया यहाँ पे, और अब सीज की स्क्वाड काफ़ी आउटर में देखने मिल रही है, 4 किल निकाल चुकी है, और अभी होल्ड करते हुए नेक्स्ट जोन के साथ मूव करने की कोशिश होगी इनकी। और सौरभ वहाँ पे अकेले मैन होल्ड करते हुए देखना होगा किस पोजीशन तक ले जा सकते हैं अपनी टीम को। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अलग गेम देखने मिला है आज 4A के द्वारा, और यहाँ पे फाइट होते हुए ड्रॉप पे, एयर ड्रॉप के पास बहुत सारी फाइट देखने मिल रही है हम लोग को। आई डोंट नो हिस टीम का नाम क्या, और प्लेज उनसे यहाँ पे मृत्युंजय यहाँ पे वाइप होते हुए डेथ स्टॉकर की स्क्वाड यहाँ पे होल्ड करते हुए टीम नंबर 4 को, और नेड ट्राई किया बट नेड कनेक्ट नहीं हो पाया, और वॉल्टन यहाँ पे पहले ही यहाँ डाउन हो चुके हैं, 4 किल इनके भी हो चुके हैं, सारी स्क्वाड आज बराबर किल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, काफ़ी अच्छा अग्रेसिव खेलने दिख रही है हम लोग को। सौरभ यहाँ पे ट्राई करते हैं मॉली, और वो वॉल्टन को यहाँ पे पिक कर सक वॉल्टन बोल रहा सॉरी यहाँ पे पिक करने की कोशिश, और यहाँ गलत सीन हो गया, एक्सट्रीम की स्क्वाड पीछे से ड्रॉप लूटने आई थी और नॉक हो गई है ओपन एरिया में, और वेनम यहाँ पे नॉक होते हुए पीछे से लिमिटलेस आएंगे और ट्राई करेंगे यहाँ पे अपने बंदे को बचाने की, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से ये पॉसिबल तो नहीं है ब्रो। देखते हैं कैसे ये बचा पाते हैं या नहीं, पीछे से काफ़ी सारे स्मोक हो गए हैं, वेनम यहाँ पे पीछे आना मुश्किल, टीएफ के वॉर्टेक्स को यहाँ पे वॉर्टेक्स को नॉक किया है, और वॉर्टेक्स यहाँ पे गलत सिचुएशन में फंसे हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्प्रे मैं बोलूँगा डेस्ट का वहाँ पे नॉक किया है 2 बंदों को, और यहाँ पे सौरभ सिंह आखिरी बंदे डेथ स्टॉकर इस तरह से मेरे हिसाब से पूरे यहाँ पे स्क्वाड वाइप कर सकते हैं कभी भी। सौरभ वहाँ पे हील पॉप करते हुए सीनस यहाँ पे ऊपर जाने की कोशिश करेंगे पहले हील करके, सीज वहाँ पे सीज की स्क्वाड का आरटीवी को वाइप कर दिया जो वहाँ पे होल्ड कर रही थी काफ़ी देर से, और यहाँ पे वाइप करते हुए एक एक करके बट नॉक हो गए हैं सीनस, और यहाँ पे स्प्रे आता हुआ लेकिन डेथ स्टॉकर की स्क्वाड को फिनिश कर दिया सौरभ सिंह ने। कैन वी हैव सौरभ सिंह ओपी इन द चैट गाइस, बहुत ही ओपी गेम प्ले दिखाते हुए यहाँ पे पूरी डेथ स्टॉकर की स्क्वाड को वाइप कर दिया 2 बंदों को 1v2 सिचुएशन में यहाँ पे निकालते हुए, और वहाँ पे रिवाइव आई थिंक मिल गया है, नहीं मिल पाया, वेनम यहाँ पे वाइप हो गए, सौरभ सिंह को स्पॉट कर लिया है, फाइट अभी अभी एंगेज हुई थी इनको भी पता है, तो अभी ही रश देखने मिल सकता है एक्सट्रीम के द्वारा, और 4A की स्क्वाड यहाँ पे हमारी जो पहला स्पोर्ट्स है वो आके स्पॉट करते हुए थर्ड पार्टी करने की पूरी कोशिश करेंगे, गाड़ी आते हुए पीछे से एक्सट्रीम की स्क्वाड अंदर आते हुए, और सौरभ सिंह वहाँ पे अकेले बंदे बचे हुए हैं, बहुत ही काफ़ी अच्छा गेम प्ले दिखाया हमें जो दे जिगल करके 3 किल निकाल गए यहाँ पे डेस्क टॉक करके, और M249 उठाते हैं काफ़ी सही डिसीजन, क्योंकि अकेले बंदे बचे हुए हैं तो 100 गोली तो इनको एनी आउट चाहिए यार, ज़रूरी है। सौरभ सिंह काफ़ी अच्छा होल्ड करते हुए लिमिट की स्क्वाड यहाँ पे रश करने की कोशिश, एक्सट्रीम की स्क्वाड यहाँ पे रश करने की कोशिश करेगी, और हम लोग को यहाँ पे देखने मिल सकता है कि जो बैलाई स्क्वाड है वो मे भी रश कर दे, लेट्स सी यहाँ पे थर्ड पार्टी करने की कोशिश करेंगे ये भी, बट फिलहाल के लिए टावर होल्ड करता और लिमिटलेस को यहाँ पे नॉक किया स्पॉट करके वर्चुअल ने, कल की तरह ओपी गेम प्ले दिखाते हुए वुल्फ यहाँ पे रिवाइव देने की जाने की कोशिश करेंगे, बट सौरभ वहाँ पे कभी भी इनके ऊपर से फायर दे सकते हैं, सौरभ का होल्ड मेरे को देखने देखना होगा, यहाँ पे लिमिटलेस को फिनिश कर दिया है सौरभ यहाँ पे काफ़ी टिप्स एंड ट्रिक्स यूज करते हुए, और अभी के लिए होल्ड करना जरूरी, वुल्फ यहाँ पे वेयर वुल्फ स्पॉट करने की कोशिश करेंगे बट सौरभ को यहाँ पे स्पॉट करना इम्पॉसिबल, और सौरभ की पर्सपेक्टिव से स्मोक वर्क स्पैम कर दिया है, अकेले बंदे आ रहे हैं उनको ये पता होगा आई थिंक, और FPP स्विच कर लिया है, FPP स्विच करने में यार मतलब स्मोक की ग्लिचेस तो ठीक है बट थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाता है कभी कभी, और M249 निकाल लिया है यहाँ पे, तो मतलब बहुत ही गलत सीन हो सकता है, एक और स्मोक स्पैम किया है, और मॉली वॉली नीचे आते हुए पता नहीं है उनको, किसी को भी यहाँ कैसे ही पता होगा यार कि यहाँ कोई बंदा बैठा हुआ है इस तरह के पोजीशन पे, और वुल्फ यहाँ पे आते हुए देखना होगा, वुल्फ यहाँ नेट करने की कोशिश करेंगे बट लेट्स सी, सौरभ ने यहाँ पे स्पॉट नहीं किया है और सौरभ को यहाँ डैमेज पड़ेगा, और वुल्फ के नेट से यहाँ पे वाइप होते हुए सौरभ पीछे से यहाँ पे 4A की स्क्वाड जो हमारी पहला ही स्पोर्ट से रश नहीं कर रही अभी होल्ड किया है, और थोड़ा 10 किल वैसे भी निकाल चुके हैं ये, और पूरे ही बंदे अलाइव हैं तो बहुत सारी स्क्वाड के लिए दिक्कत होने वाली है, वी आर डाउन टू 31 पीपल, 10 टीम स्टिल अलाइव, मैवरिक वहाँ पे जिंदा दिखने मिल रहे हैं, सौरभ अकेले बंदे जो बचे थे वो वाइप हो चुके हैं, 1 की स्क्वाड पूरी देखने मिल रही है, और यहाँ पे ओके माफिया की स्क्वाड भी पूरी स्क्वाड कंप्लीट स्क्वाड बची हुई है, और यहाँ पे फाइट होते हुए एक के अगेंस्ट,
और ओके, तो वाटर सिटी का यहाँ पे जोन दिख रहा है हम लोगों को, काफ़ी अच्छा जोन बना है अभी। मतलब कुछ कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, लेकिन जोन रोटेशन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सबसे ज़्यादा। टीम नंबर 13 वहाँ पे अभी भी यहाँ पे होल्ड करते हुए देखने मिल रही है, माफिया की स्क्वाड एक्ट के ऊपर, और एक्ट काफ़ी वाइड स्प्रेडेड दिखने मिल रही है। तो देखना होगा यहाँ पे कैंपिंग की गेम कब तक चलती है, काफ़ी कैंपिंग यहाँ पे देखने मिल रही है। और नो डाउट यहाँ पे मेरे को आज फिर से लग रहा है यहाँ पे वहीला इस वर्सी चिकन ले जा सकती है, क्योंकि काफ़ी अच्छा यहाँ पे एग्रेशन अभी तक तो दिखाया है। और अगर नो डाउट चिकन ले के जाती है तो ये मतलब अलग ही फॉर्म कंटिन्यू करते हुए, काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन बंदों में है, कभी भी अपने बंदों को वाइप होने नहीं देते। और यहाँ पे स्पॉट किया है सीज राहुल ने, और काफ़ी अच्छा स्प्रे लेते हुए, ओके राहुल नहीं राहिल है भाई का नाम। और यहाँ पे व्हीकल डैमेज करने की पूरी कोशिश टीम नंबर 14 के द्वारा। और एक सेकेंड गाइस, मैं 2 सेकेंड में वेट। ओके सो रश आर्मी यहाँ पे फाइट ले रही है सीज से, और सीज को यहाँ पे जोन रोटेशन देना बहुत ही ज़रूरी। व्हीकल बचाया कवर के लिए, और ये बहुत ही सही डिसीजन था। स्प्रे कनेक्ट नहीं हो रहा है यहाँ पे हमारी रश आर्मी का, और जोन के लिए रोटेशन देना इनको भी ज़रूरी। सीज यहाँ पे जाके पहले जोन होल्ड करेगी, और थोड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है। ओके रश आर्मी के नरूटो यहाँ पे पहले से जोन आ चुके थे, ये बहुत ही सही किया इन्होंने। पीछे से यहाँ पे शॉट आते हुए देखने मिल रहा है, और नॉक करेंगे नो डाउट, काफ़ी ओपी स्प्रे यहाँ पे। दोनों बंदों को पीछे से अश्वत्थामा ने नॉक किया है, और मतलब बहुत अच्छा गेम दिखाते हुए यार। हील करने की ज़रूरत है यहाँ पे, बहुत ही जल्दी ब्लीड होते हुए, और आई डोंट थिंक यहाँ पे हील कर पाएंगे, पहले बैंडेज पॉप करना चाहिए था। और ये गलत डिसीजन इनके लिए गलत हो सकता है, क्योंकि अब ब्लीड आउट होने की रेट बहुत बढ़ चुकी है। टीम नंबर 14 यहाँ पे यूनाइटेड फ्रेंड अभी तक होल्ड करते हैं 0 किल के साथ, काफ़ी अच्छा यहाँ पे सेंटर होल्ड किया है। और डी कार्लस ने वहाँ पे सीज के बंदों को 4 डाला। नव की स्क्वाड अब यहाँ पे थोड़ा सा डोमिनेशन दिखाते हुए अश्वत्थामा को वहाँ पे फिनिश करने की कोशिश कर सकते हैं। वेयरवुल्फ ने यहाँ पे खुनी ने वेयरवुल्फ को नॉक किया है, और अलग अलग एरिया में अलग अलग फाइट देखने मिल रही है। 4 यहाँ पे कभी भी थर्ड पार्टी करने आ सकती है सारी स्क्वाड के ऊपर, काफ़ी अच्छा एंगल होल्ड किया है, इनके पास ही बन गया जोन जो लाइट हाउस इन्होंने होल्ड किया था उसके जस्ट। टीम नंबर 16 इनका स्वागत करने के लिए पहले से बैठी हुई है, ट्रैक्टर की स्क्वाड यहाँ पे स्पॉट करने की कोशिश करेगी। और अब जोन बन चुका है ये वाला कंपाउंड जो है मेन कंपाउंड है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट होल्ड करते हुए टीम नंबर 25 बॉयला स्पोर्ट्स और वंडर वहाँ पे ओपन में आते हुए व्हीकल का कवर बनाएंगे। और एक्ट की स्क्वाड का फाइट वहाँ पे हो चुका है अभिषेक की स्क्वाड से, और गलत सीन, दोनों ही स्क्वाड यहाँ पे काफ़ी गलत गलत नॉक होते हुए बंदे यहाँ पे नेट ट्राई किया है। मैवरिक को वहाँ पे सूजी के पेन वाइप करेंगे, खूनी यहाँ पे नॉक हो चुके, ब्रूटल गेमिंग यहाँ पे बहुत ही ओपी खेलते हुए। और एक्टिव स्क्वाड यहाँ पे अंदर रश कर चुकी है, और आई डोंट थिंक महिमा ने एक भी शॉट लिए, और यहाँ पे एक्टिव स्क्वाड ने वाइप कर दिया। यहाँ पे यूनाइटेड फ्रेंड्स को हील करेंगे, पीछे से 4A का कभी भी रश आ सकता है, 3 बंदे नॉक पड़े हुए हैं यहाँ पे, रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। और वी आर डाउन टू 19 पीपल्स, और रूट गेमिंग यहाँ पे ओपी गेम खेलते हुए यहाँ पे 2 बंदों को नॉक किया था। जोन जाना अनफॉर्चुनेटली इनके लिए पॉसिबल नहीं है, तब भाई यहाँ पे हील नहीं कर पाएंगे और जोन से नॉक हो जाएंगे। काफ़ी बाहर है यहाँ पे जोन से ब्रूट की जो सूजी की स्क्वाड है, और जोन मेकआउट करना इनके लिए भी बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि 25 नंबर स्क्वाड यहाँ पे अंदर आने देना नहीं चाहती। 40 नंबर स्क्वाड यहाँ पे जो रश आर्मी है वो जोन के अंदर आ चुकी है, सामने मिलेगी उनको नव की स्क्वाड, और आई डोंट थिंक अभी इन्होंने स्पॉट किया है, बट अच्छा एंगल होल्ड करते हुए नो डाउट तबाही वहाँ पे, मैंने जैसे कहा था प्ले जोन से नॉक हो जाएंगे। वर्चुअल यहाँ पे नव के ऊपर, नव की स्क्वाड के ऊपर ताक लगा के एक बंदे को नॉक किया है। असासियन यहाँ स्पॉट करने की कोशिश करेंगे राइट वाले बंदों को, और एज यूजुअल 2 स्क्वाड से एक साथ फाइट लेने की कोशिश यहाँ पे नव ने, यहाँ पीरी ने यहाँ पे वर्चुअल को नॉक किया, पीछे से सूजी की स्क्वाड आते हुए असासियन ने स्पॉट किया है, और ट्रैक्टर यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश सूजी की स्क्वाड को, ब्रूट गेमिंग वहाँ पे रिवाइव देने की कोशिश करेंगे। आई थिंक नॉक्ड हैं नहीं, यहाँ पे हील पॉप करते हुए जोन और छोटा हो चुका है, थोड़ा सा इस साइड थोड़ा सा उस साइड, जो पानी के हम लोग देख सकते हैं दोनों ही साइड पे जोन बनाया है। और अब हम लोग को यहाँ पे 4A जो हमारी पहला स्पोर्ट्स है उनका डोमिनेशन देखने मिल सकता है। एक्ट की स्क्वाड का यहाँ पे देखना होगा, 4 बंदे ये भी बचे, नव की स्क्वाड को कौन सी स्क्वाड वाइप करेगी, क्योंकि मेरे को नहीं लगता नव स्क्वाड यहाँ पे जोन में कर पाएगी। वॉन्डर वहाँ पे रोटेट करते हुए स्पॉट हो गए हैं पत्थर पे, यहाँ पे
रुकने की कोशिश करेंगे, बट स्मोक की यहाँ पे ज़रूरत। यहाँ पे नरूटो को नॉक किया रूट गेमिंग ने। रूट गेमिंग यहाँ पे पीछे से जो हमारे सूजी की स्क्वाड है वो यहाँ पे थोड़ा सा एंगल अलग बनाते हुए दिल्ली पुलिस यहाँ पे ओपन में स्मोक स्पैम किया, और पीछे से ब्रूट यहाँ पे कभी भी इनके ऊपर फायर ले सकते हैं। व्हीकल का यहाँ पे कवर था बट नो डाउट यहाँ पे स्प्रे आता हुआ ब्रूट का, और सूजी यहाँ पे हील करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी अच्छे एंगल पे यहाँ पे बचे हुए हैं। राइट साइड से नर्व की स्क्वाड आते हुए और स्पॉट कर लिया है सासियन ने, लेकिन यहाँ पे शॉट लेने की कोशिश करेंगे। पेन यहाँ पे काफ़ी लो, और यहाँ पे डी कार्लोस ने पेन पे पेन के बंदे को नॉक किया है। नव की स्क्वाड यहाँ पे साइड से किल निकालते हुए ब्रूट गेमिंग वहाँ पे आखिरी बंदे बचे हैं। अच्छा कवर बनाया है, नो डाउट ये काफ़ी अच्छा कवर था। ब्रूट गेमिंग को वहाँ वाइप करेंगे, सुबह सूजी की स्क्वाड वाइप हो जाएगी। और गाइस यहाँ पे काफ़ी अच्छा गेम देखने मिल रहा है हम लोग को। तीन स्क्वाड कंप्लीट स्क्वाड बची है, क्या यहाँ पे पूरे की स्क्वाड को अंदर आने देंगे ये या नहीं, क्योंकि बहुत ही अलग नीचे का डेप्थ लिया है। स्मोक यहाँ पे स्पैम हो चुके हैं काफ़ी सारे, अभी तक इनको पता है इनकी कि ब्रूट जो है सूजी की स्क्वाड यहाँ पे वाइप हो चुकी है, उनके ऊपर टास्क लगाए हुए और नीचे का ही एंगल होल्ड करेंगे। असासिन वहाँ पे जोन आना थोड़ा सा दिक्कत, टॉनी यहाँ पे ऊपर में आके असासिन के ऊपर आई थिंक स्प्रे लेने की कोशिश करेंगे। नो डाउट कीपन फायर बट कनेक्ट नहीं होता हुआ, कैप्टन ने वहाँ पे स्क्वाड किया, बच्चों ने यहाँ पे डाउन किया, और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे डाउन कर दिया है इतने ओपन में आके। आई डोंट नो ये क्या करना चाह रहे थे, स्प्रे भी कनेक्ट नहीं हुआ, और टोनी को यहाँ पे नो डाउट ग्रैब कर फिनिश करने की कोशिश करेंगे। स्मोक यहाँ पे आता हुआ, स्मोक ओके मॉली आता हुआ, और दो बंदे डाउन है। चेतु यहाँ पे नीचे में आके रिवाइव देने की कोशिश करेंगे टोनी को, ट्रैक्टर यहाँ पे रश करने की कोशिश करेंगे। नव की स्क्वाड यहाँ पे ताक लगाए बैठी हुई है अंदर जोन के, सिर्फ एक स्क्वाड नव की स्क्वाड, और अब दोनों ही स्क्वाड को जोन आना है। टोनी को वहाँ रिवाइव देते हुए नेड यहाँ पे काफी ओपी, दो बंदे नॉक, एक बंदा फिनिश, असासियन ओपी प्लेइंग ओपी गाइस, वाइप कर दिया है की स्क्वाड को। और यहाँ पे ट्रैक्टर का आखिरी नहीं ओके असासियन का आखिरी वो था, नव की स्क्वाड यहाँ होल्ड करते हुए, ट्रैक्टर की स्क्वाड यहाँ पे कम्प्लीटली 4v4 सिचुएशन। वंडर को यहाँ पिकअप कर सकते थे, 10 HP छोड़ा है, और यहाँ पे नेड वेड ट्राई, अच्छा स्मोक यहाँ पे ट्राई होता हुआ, असासियन को यहाँ पे काफ़ी स्पॉट कर दिया, दिल्ली पुलिस को यहाँ नॉक करेंगे जोन 26 सेकंड में अंदर होगा। फीरी को वहाँ पे नॉक किया है, और अब मेरे हिसाब से 4A के हाथों में गेम जाता हुआ। जोन के बाहर होके भी अगर डोमिनेट कर जाए तो बहुत ही ओपी होगा। डी कार्लोस को वहाँ पे पिकअप किया है, कभी भी हम लोग को रश देखने मिल सकता है, और फिर यहाँ पे वापस आने की कोशिश करेंगे, बट नो डाउट वर्चुअल यहाँ पे फिनिश कर देंगे उनको। और जोन के अंदर में है पूरी स्क्वाड, काफ़ी अच्छा स्मोक स्पैम करते हुए, बहुत ही अच्छा स्मोक, पूरा विजन ब्लॉक कर दिया आगे वाली स्क्वाड का। और कभी भी अब हम लोग को राइट का रोटेशन देखने मिल सकता है, एक थोड़ा रिजेस का जो रोटेशन होता है वो देखने मिल सकता है ट्रैक्टर के द्वारा। एज मैंने कहा था ट्रैक्टर यहाँ पे राइट रोटेट करने की कोशिश करेंगे, स्नेकिंग किया वापस और नेड आता हुआ, और ये नेड काफ़ी ओपी हो सकता है, कनेक्ट नहीं होगा। मॉली ट्राई की जा रही है, पेड़ के पास काफ़ी सारी मॉली कर दी गई है। अगर यहाँ से नर्व की स्क्वाड ले जाती है तो बहुत ही ओपी होगा। ट्रैक्टर को वहाँ पे 10 HP पे छोड़ता हुआ इनका नेड, भाई क्या नेड था, बहुत अच्छा नेट फेंका इन्होंने। और 4v3 सिचुएशन हो चुकी है, यहाँ पे एक और नेट ट्राई करते हुए जोन, अब देखना होगा हम लोग को किसका बना है फिर से जोन। यहाँ पे पूरा नव की स्क्वाड को मिलता हुआ, बट नव कंपोज नहीं है, फ्लैंक एक ही जगह पे एक नेड और पूरी स्क्वाड वाइप हो सकती है। कभी भी दिल्ली पुलिस वहाँ पे राइट फ्लैंक करने की कोशिश करेंगे, और वर्चुअल यहाँ पे अपने लिए स्मोक वॉल बनाते हुए लेफ्ट फ्लैंक करने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक स्मोक नव की स्क्वाड भी डाल चुकी है और 5 kills निकाल चुकी है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ पे पिकअप करने की कोशिश की बट नहीं हुआ, वर्चुअल का वहाँ पे फ्लैंक आता हुआ ओपन में स्नेकिंग नव आशु को कभी भी काम कर सकते हैं। वंडर यहाँ पे गाड़ी बश करते हुए एक ही व्हीकल पे सारे बंदे यहाँ पे बचे, ये इनके लिए बहुत ही गलत सिचुएशन। और डी कार्लोस यहाँ पे वर्चुअल को कभी भी पिक कर सकते हैं, दिल्ली पुलिस को वहाँ पे नॉक किया, और वर्चुअल यहाँ पे होल्ड करते हुए ट्रैक्टर की स्क्वाड वहाँ पे अंदर आने की कोशिश करेगी। राइट साइड से असासियन को भी स्प्रे आता हुआ, वर्चुअल को क्लोजिंग करने का कॉल आएगा अब, और अब देखना है यहाँ पे क्या होता है। नव वहाँ पे आंशु यहाँ पे स्पॉट नहीं किया वर्चुअल को, पेड़ पे आके रुक गए वर्चुअल, और गलत सीन आंशु के लिए। वंडर वहाँ पे आखिरी बंदे बचे हैं, नो डाउट वर्चुअल यहाँ पे फिनिश कर सकते कभी भी उनको, और इस तरह से फिर से 4A हमारी चिकन डिनर ले जा चुकी है। कैन वी हैव बैला स्पोर्ट्स ओपी इन द चैट गाइस, काफ़ी ओपी गेम प्ले यहाँ पे, डेली की तरह डेली चिकन निकालते हुए, बहुत ही कंपोज टीम यहाँ पे ओके 11 और 7
18 किल निकाला आई थिंक, या 18 किल निकाल के यहाँ पे चिकन डिनर ले जा चुकी है। फिर से वही डोमिनेशन, फिर से वही वे खेलने का, और अलग ही मतलब ओपन ओपन घूम रहे हैं यार बंदों को, आजकल कुछ समझा ही नहीं, मजाक समझ के खेल रहे हैं। और टीम नंबर 2 जो टीम 9 है, वो 5 किल के साथ सेकंड पोजीशन पे आई। एट की स्क्वाड 5 किल के साथ थर्ड पोजीशन पे। ब्रूट जो सूजी की स्क्वाड है, उन्होंने भी 6 किल निकाले, 6 और 6 12 किल निकाले हैं आज। सूजी की स्क्वाड भी काफ़ी डोमिनेशन दिखाते हुए, और बाकी के स्टैट्स आप यहाँ देख सकते हैं। गाइस कैसा लगा आज का गेम प्ले, ज़रूर कमेंट करके बताना है नीचे। और कमेंट्री वमेंट्री में यार कुछ गलत होता है तो बता दिया करो, किसी ने कुछ कल लिखा था बट उन्होंने डिलीट कर दिया जब तक मैं पढ़ पाता, कुछ अजीब गरीब लिखा था, बट यार जो भी है गलत भी है ना तो आप बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी यार नए टाइमिंग तो अभी तक 2:30 और 7 के बीच में ही अभी भी विवाद छिड़ा हुआ है, अगर कुछ होता है फाइनल तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। और यार जो भी है नए नए ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो यार, जो नई टीम आती है, जितनी भी नई टीम हो पाए उतनी नई टीम लाओ। अभी हम लोग का टारगेट है 150 टीम्स का, तो अभी हमारे पास अबाउट 48 टीम है, तो अगर 150 का टारगेट रीच कर जाते हैं तो एक दिन में 3 कस्टम कराने का प्लान है। और उसके हिसाब से जो अच्छा परफॉर्म करेगी उनको अलग ग्रुप में रखा जाएगा, जो खराब परफॉर्म करेगी उनको अलग ग्रुप में रखा जाएगा, ऐसा है। और यार हाँ एक और चीज़ नए नाम के लिए सोच रहे हैं अपने कस्टम रूम का, तो आप ही लोग कुछ सजेस्ट कर दो, अभी तक तो कुछ समझ आ नहीं रहा, तो अगर आपके दिमाग में कोई अच्छा नाम है तो सजेस्ट कर दो, है ना, कुछ भी अच्छा नाम। यार अभी समझ नहीं आ रहा कि डंजन यार प्लेयर नाम पे मेरे को थोड़ा उतना पसंद नहीं आता है, तो अगर आपको कुछ भी आइडिया हो, कोई भी थोड़ा मतलब माइंड में हो कि कुछ रख सकते हैं तो ऐसा आप बता दो। और बाकी यार यही था आज का गेम प्ले पूरे। यार जो हमारी पहला स्पोर्ट्स है वो एज यूजुअल अपनी गेम परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हुए और वही डोमिनेशन दिखाते हुए आप देख सकते हैं डेली, मतलब ये लोग चिकन डिनर ले जा रहे हैं लगभग लगभग, अगर अगर बोलूँ तो मैं 60% चिकन to 70% चिकन यही ले जाते हैं। और बाकी यार ठीक है, तो बोल बोल के मैं थक चुका हूँ। और बाकी यार आपको कुछ अलग चीज़ देखने का मन हो इसमें, वैसे एडवांस रूम कार्ड है मेरे पास, तो एक डबल लूट ट्रिपल लूट का भी बोल रहे हैं लोग कराने के लिए कस्टम, तो उसके बारे में भी आपके क्या थॉट्स हैं वो ज़रूर कमेंट करके बताना। और यार आजकल तो आप लोग का रिस्पॉन्स कुछ अलग ही लेवल का है, तो इस बार हम लोग नया जो एम करते हैं 120 व्यूज़ का वो एम करते हैं, और अगर हो सके तो यार जितना शेयर कर सको ना यार उतना शेयर कर देना बस। ठीक है, चलो बाय बाय।